मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत अगवानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निःशुल्क खाता खोलने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने अगवानपुर में पहुंचकर एडवोकेट जावेद आलम के कैंप कार्यालय में कैंप लगाकर क्षेत्रवासियों के निःशुल्क खाता खोले। निःशुल्क खाता खुलवाने के लिए खाता धारकों की भारी भीड़ जुटी रही। मिनी ब्रांच अगवानपुर के केसीएम पद पर तैनात परवेज आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज नगर पंचायत अगवानपुर में एडवोकेट जावेद आलम के कैंप कार्यालय पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कैंप लगाकर निःशुल्क खाता खोले जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निर्णय लिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने वाले सभी खाता धारकों के निःशुल्क खाते खोले जाएं, जिससे जनता को बैंकिंग का लाभ मिल सके, क्योंकि कुछ लोग पैसा न होने के कारण खाता नहीं खुलवा पाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को सरकार से मिलने वाली सहायता का कोई लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि किसी भी बैंक में खाता खुलवाने पर खाता चालू रखने के लिए खाते में पैसे होना जरूरी है। क्योंकि काफी लोगों पर अपना खाता चालू रखने के लिए पैसे नहीं हो पाते, इसी कारण काफी संख्या में गरीब लोग सरकार से मिलने वाली सहायता से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने निर्णय लिया है कि सभी के खाते निःशुल्क जीरो बैलेंस पर खोले जाएं, जिससे सरकार से मिलने वाली सहायता का सभी को लाभ मिल सके। इसी कड़ी में कैंप लगाकर खाते खोले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कैंप में खाता खुलवाने वालों की भारी भीड़ रही। जी जी, आज कैंप लगा जी, जावेद भाई के यहाँ कैंप लगा है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से खाते खोले जा रहे हैं, जिसमें जो 10 साल से लेकर जितने भी ऊपर के घर हैं सबके खाते फ्री खोले जा रहे हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय अमराबाद की तरफ से एक कैंप लगाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा केसीएम ब्रांच की तरफ से। ये कैंप लगा कर ही क्यों खाते खोले जा रहे हैं? ये जिससे कि जितने भी नागरिक हैं सबको फ़ायदा मिले और उनको ब्रांच तक न जाना पड़े, तो उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। ये निःशुल्क खुले जा रहे हैं? जी बिल्कुल निःशुल्क खुले जा रहे हैं। इसका कोई लिमिट है? लिमिट कोई लिमिट नहीं है इसमें। कम से कम खाते में उसको 3000 रुपये अगर वो मेंटेन करता है तो उसको एटीएम भी फ्री मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा।